महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। कृष्णा यादव इसी का एक नायाब उदाहरण है। गुड़गांव के बजखेड़ा गांव की रहने वाली कृष्णा ने पूसा संस्थान से फल और सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्राप्त किया और कर्जा लेकर घर से ही अचार मुरब्बे बनाने का व्यवसाय शुरू किया। हमने इसकी अचार मुरब्बे बनाने की ट्रेनिंग ली पूसा से जाके। जब हमने ट्रेनिंग ली तो घर में 1-2 किलो हमने बना तो लिया, लेकिन हम बेचने से बड़े परेशान के इसे हम बेचें कहाँ, मार्केट कैसे करें इन्हें, हमारे तो घर में जैसे कि खुले अचार हैं तो कौन पसंद करेगा इन्हें। तो फिर हमने क्या करा कि मैंने अपने पति से बोला कि एक रोड के किनारे टेबल डालो और वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ बेचेंगे रोड के किनारे से। शुरुआती 3-4 सालों में कृष्णा को आर्थिक तंगी के चलते परेशानी भी हुई, लेकिन पति के सहयोग से उसका हौसला नहीं टूटा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल, और बच्चे स्कूल जाते थे, घर वालों का तो बहुत सहयोग रहा मेरा। मैं अकेली काम करती थी, 3 बच्चे मेरे, तीनों ने खूब मदद करी मेरी और मेरे पति ने बहुत हेल्प करी है इसमें। महज चंद रुपयों से शुरू किया गया ये घरेलू उद्योग आज 14-15 सालों के कड़े संघर्ष के बाद एक लघु उद्योग का रूप ले चुका है, जिसमें 250 से भी अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कृष्णा द्वारा शुरू की गई ये मुहिम आज उनके सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। कभी महिलाओं को घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता था, लेकिन आज वक्त बदला है। महिलाएं 4 दीवारी तक सीमित नहीं रही हैं, आज उनकी कामयाबी सभी के लिए एक मिसाल है। प्रदीप लोचब, DD News, दिल्ली।